तो दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं हरियाणा की असली खूबसूरती, असली हरियाली हरियाणा की। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, करते हैं पार्ट 3 को स्टार्ट। दोस्तों अभी हमने गाड़ी एक जगह रोकी है, मैं आपको दिखाता हूँ एक नज़ारा। ये देखिए सब जगह सरसों ही सरसों है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये सरसों का खेत है। देखिए जब दूर दूर तक पूरा सिर्फ सरसों ही सरसों है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था गाड़ी चलाते देख के रास्ते में। तो हमने गाड़ी रोकी है बीच में और दिखाते हैं आपको खूबसूरती। तो ये जगह मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, चलिए आपको भी दिखाते हैं खेत के अंदर, तो घुमाते हैं और क्या क्या है यहाँ पे आपको दिखाते हैं। पहले देखिए स्नो मोशन में ये खेत कैसे लगते हैं, जरा देखिए। ये था चिल्कना धाम का तोरण द्वार, जो मैं हम दूसरे रास्ते ऐसे आए थे, तो अभी हम मालका वाले रास्ते जा रहे हैं। और ये देखिए खेत, देखिए आप दूर दूर तक सिर्फ हर पीली पीली है, सरसों ही सरसों हर जगह। और ये कोई बड़ा प्लांट है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको दोबारा। आँखों को इतना अच्छा फील हो रहा है देख के, मन कर रहा यहीं पर एक हाट लेके बैठ जाओ और देखते रहो, बीच में घूमते रहो। यहाँ की खुशबू अलग, एक फ्रेशनेस है, एक हवा होती है एकदम फ्रेश है, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। काश हमारा घर भी यहाँ पे होता है, इन खेतों के बीच में, तो मज़ा आ जाता। तो चलिए आपको देख खेत के दूसरी साइड लेके चलते हैं, वहाँ कुछ अलग ही वाइब्स है, दूसरी साइड कुछ और ही अलग है। तो चलिए चलते हैं, पहले दूसरी साइड आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं रोड की दूसरी साइड आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए पेड़ों पे कैसे घोंसले बने हुए, देखिए अपने पक्षियों ने कैसे घोंसले बना रखे, इतने बड़े बड़े से। मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो देखो ये देखो घोंसले बना रखे हैं यहाँ पे पक्षियों ने, अलग ही नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। देखिए यार कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो चलिए अभी एक और बीच में छोटी रोड है, यहाँ से निकलते हैं हम आगे की तरफ। देखिए ये गन्ने के खेत है सारे, यहाँ पे सारे गन्ने हैं अभी भी। ये देखो कुछ कट गए हैं, कुछ छोटे मोटे बचे हुए हैं, झाड़ियाँ टाइप की बची हुई है। गन्ने तो मेरे ख्याल से निकल चुके हैं, झाड़ियाँ झाड़ियाँ बची हुई है उसकी। और दूसरी साइड देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी सरसों है, देखिए बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ और इन्होंने खेती कर रखी है, जो बिल्कुल छोटी छोटी है हरियाली। उधर येलो पीला कलर और इधर देखिए हरियाली, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। यही है असली हमारे भारत की नेचुरल कुदरत। और देखिए वहाँ पे कोई बंदा कोई भैया काम कर रहे हैं वहाँ पे, देखिए एक आदमी देखिए वहाँ पे कुछ खेती में कुछ काम कर रहे हैं। और देखिए जरा क्या अद्भुत नज़ारा है, आप देखिए यार, देख के मज़ा आता है ऐसी चीज़ देख के। और यहाँ पे कुछ घूम रहा है, क्या है, नील गाय है। देखिए देखिए मैं जूम करके दिखाऊँ, थोड़ा सा पिक्सल फटेंगे पर दूर है काफ़ी। देखिए नील गाय घूम रही है यहाँ पे, ऐसे खेतों में नील गाय बहुत होती है। देखिए ये घूम रही है पीछे, उस तरफ देखिए सारा पीला पीला सरसों और इस तरफ देखिए हरियाली। मैंने यहाँ पे एक अंकल जी से पूछा थोड़ा सा साग लेने के लिए, तो कह रहा तोड़ लो, ये हमने साग तोड़ लिया है, घर जाके आज हम बिल्कुल फ्रेश साग बनाने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा खा के। एकदम फ्रेश साग है देखिए, जस्ट अभी पीछे हमने खेत से तोड़े हैं ये। एक अंकल तो कह रहे तोड़ लो, तोड़ के ले जाओ, तो हम लेके आ गए। हमारा छोटा शैतान कह रहा है कि मुझे भी खेत में जाना है, मेरे को भी देखना है कैसा होता है सरसों। आओ देखो कैसे लग रहे दिशन भाई, गुड। हाँ तो दोस्तों अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, हम कहाँ पे आए हैं मैं आपको दिखाते हैं ज़रा पीछे। ये है मन्नत हवेली,
हम पहुंच चुके हैं मूर्थल। तो चलिए, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हमका पूरा मन्नत हवेली घुमाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले पार्ट में। पार्ट थ्री करते हैं यहीं पे एंड। अब मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।